नमस्कार। अर्गसर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करछु प्रदीप्त। आपण माने जानिथिबे जे आम पेट ही आम जीवन उपरे आमर जीवन धारण उपरे मध्य निर्भर करथाय। आमे कोन खाउचंती, प्रतिदिन कोन केमिति पानी पिउचंती, आमर संपूर्ण जीवन शैली ताहा आमर शरीरर सुस्थता ता उपरे ही निर्भर करे। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची आम शरीर भितर उपरे थिबा अंग गुड़िक जेतिकि गुरुत्वपूर्ण, आम शरीर भितर थिबा विभिन्न अंग ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण। जदि आम सुस्थ जीवन अधिक दिन बंचिबा बा आम जीवनर सठिक ढंगरे चलिबा बा आम हॉस्पिटल को बारंबार न जिबा, एथिपाई विभिन्न प्रकार उपाय रहिछि। ताहा मध्य विभिन्न समय रे आपण विभिन्न चिकित्सक पाखरु सुनिथिबे, विभिन्न वैज्ञानिक ने मध्य मतामत रखिथिबे, डाक्टर माने मध्य विभिन्न कथा आपणकु परामर्श मध्य देथिबे। किंतु तथापि वर्तमान समय रे विभिन्न रोग आमको माड़ी बसुची बा आम शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग देखा जाउची, जहाँ को नहीं आम से विभिन्न समय रे डाक्तरखाना जाउचंती बा विभिन्न समस्यार मध्य सम्मुखीन होउचंती। सेमिति लिभर बा आम जकृत मध्य विभिन्न समय रे अभिजोग आसी थाए जे खराब होई जाउची बा ताहा सठिक ढंग रे काम करूनी, सेथिपाई विभिन्न कारण रही थाए। तबे ए विषय आम अधिक आलोचना करिबा जे ए लिभर केते गुरुत्वपूर्ण आम शरीर पई, आम शरीर रो सुस्थता पाई। आम सहित अच्छा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल नईम, जे कि एचओडी तथा क्लिनिकल डायरेक्टर केयर हॉस्पिटल लिभर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट रो। आम सहित आम सहित आसतु आलोचना करवा। सर पहले तो आपको स्वागत करना चाहूँगा अर्गस के इस डिस्कशन में। सर पहली सवाल आपसे यही रहेगी, हर इंसान के जहन में ये सवाल आती है कि मतलब हम कैसे सिक्योर रह सकते हैं, हमारा शरीर कैसे सिक्योर रह सकता है, हम ज़्यादा डिजीज हमको ना हो, इसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए ब्रेन बॉडी में जो है कुछ ऑर्गन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, इसके बिना सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। जैसा ब्रेन है, हार्ट है एंड लिवर है, ये बहुत एसेंशियल ऑर्गन्स हैं ये जी। अगर किडनी ख़राब हो जाए तो इंसान फिर भी डायलिसिस पर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाए या लीवर ख़राब हो जाए तो इनका कोई बैकअप नहीं है। तो लीवर जो है बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जी। और इसको हेल्थी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि लीवर जो है बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है जी। उसमें जो है प्रोटीन भी बनाता है, बाइल बनाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म देखता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है, ब्लीडिंग अगर आपको कहीं कट लग जाए और उसे ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकता है, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है। तो समझ लीजिए कि सारे जितने बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सारे कहीं ना कहीं लीवर से कनेक्टेड हैं जी। तो अगर लीवर फेल हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी बिना लीवर के जो है जिंदा नहीं रह सकती। मतलब सर लीवर के बिना हम जिंदा रहना एक तरह से असंभव ही बोल सकते हैं। एक मतलब एक लोगों के बीच में ये रहता है, आप तो हर मतलब बहुत सारे पेशेंट्स का आपने ट्रीटमेंट किया होगा, जैसे कि हम बोलते हैं ज़्यादातर लोग घर में माँ बोलती है या कोई भाभी बोलती है जो हमको खाना पका के देते हैं कि ये इस तरह का खाना हमको नहीं खाना चाहिए, इस तरह का पानी हमें साफ पानी पीना चाहिए। तो खाने के ऊपर हम कितना डिपेंड करता है कि खाने के ऊपर कि लीवर हमारा ख़राब ना हो, सही तरह से फंक्शन करे जी। जो लीवर ख़राब होता है जिसको हम एंड स्टेज लीवर डिसीज़ कहते हैं, उसको सिरोसिस भी कहते हैं जी। इसके जो मेन कारण चार हैं, मतलब आप देखेंगे कि 80-90% लीवर की बीमारियाँ जो है इन्हीं चार वजह से होती हैं जी। एक होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल और फैटी लीवर। और ख़ास बात यह है कि चारों के चारों प्रिवेंटेबल डिसीजेस हैं। अगर आप केयर करें, इन सब से बच के रहें तो आपका लीवर महफूज रह सकता है। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं, जैसा हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई हो सकता है जो एक कंटामिनेटेड वाटर से आ सकता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, 99% जो है ये अपने आप खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है वो बहुत सीरियस इलनेस हैं जो एंड स्टेज लीवर फेलियर कर सकता है, जिसकी वजह से जान जा सकती है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी को ले लीजिए, वो उसका एक अच्छा सा वैक्सीन अवेलेबल है,
आजकल तो एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत पैदा होते ही वो वैक्सीन लगा दिया जाता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसको वैक्सीन ले लेना चाहिए ताकि आगे चल के हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन ना हो और उसे लीवर खराब ना हो। हेपेटाइटिस सी है, उसका वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन पिछले 10 साल से हमारे पास उसकी बहुत अच्छी दवा आ गई है जिससे 100% क्योर हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी कम्प्लीटली क्योरेबल और ट्रीटेबल है जी। अब तीसरी चीज़ अल्कोहल हो गई। तो आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो अल्कोहल लेते हैं उनको लीवर की प्रॉब्लम हो, लेकिन एक मेजॉरिटी जो अल्कोहल लेते हैं और जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हाँ, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मकदार ज़्यादा होती है, उनको लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो एक तो अल्कोहल को अवॉइड करना सबसे बेस्ट है। अगर आप फिर भी अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कोशिश ये करें कि अल्कोहल एक जितनी रिकमेंडेड क्वांटिटी है उसको एक्सीड ना करें, उससे ज़्यादा ना पिएं, एक लिमिट रहे, एक लिमिट रहे। और बिंज ड्रिंकिंग ना करें कि एक साथ चार पांच ड्रिंक्स एक साथ ले ली, या ड्रिंक्स को मिक्स किया, या ड्रिंक्स के साथ कोई और जो है आपने नशे की दवाएँ ले ली, तो इन सब चीज़ों से लीवर और ख़राब होता है। तो अल्कोहल एक अगेन अगर आप उसको ना लें या उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें तो आप अपना लीवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नहीं लेना सबसे अच्छा उपाय है, नहीं लेना तो बिल्कुल बेस्ट वो है उसका सलूशन। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी एक कोई पार्टीज़ में कोई कभी कभी ले लिया, वो एक अलग बात होती है, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पर अल्कोहल लेना ये लीवर के लिए मुनासिब नहीं है। ये तो सर अल्कोहल की बात हो गई, इसके अलावा भी जो लोग कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, जिन लोगों ने शराब की बुरी आदत उनको नहीं है, उनको भी कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि उनको भी लीवर की प्रॉब्लम उनके अंदर दिखाई जाती है। मैं भी उसी पे बात पे आ रहा था, जैसे मैंने कहा कि लीवर की जो बीमारी है वो चार वजह से मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल और फैटी लीवर। अल्कोहल समझ लीजिए कि 30% जो लीवर ख़राब होते हैं उनमें कारण अल्कोहल होता है, लेकिन 70% जो होते हैं वो या तो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या फैटी लीवर या और दूसरे कारण की वजह से होता है। तो अल्कोहल लेने से लीवर ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन अल्कोहल के अलावा भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो गया या सी का इन्फेक्शन हो गया या आपका फैटी लीवर है। और आप देखेंगे कि आजकल फैटी लीवर का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, मतलब हर तीसरे आदमी का अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो हर तीन में से एक आदमी को, एक पर्सन को, मेल या फीमेल को जो है फैटी लीवर निकल आ सकता है। वैसे तो लीवर में फैट नहीं होता है, लेकिन 5% तक फैट नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 5 से 10% हो तो ग्रेड 1 फैटी लीवर होता है, फिर 10 से 20% हो गया तो ग्रेड 2 हो गया, 20 से 30% ग्रेड 3 हो गया, और 30% से ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए कि लीवर में फैट बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण जो है फिर लीवर में इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें वर्म आएगा और जो है आहिस्ता आहिस्ता लीवर ख़राब होता जाएगा। सर मतलब लीवर में फैट बढ़ता जाएगा तो लीवर का फंक्शन भी ठीक से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लीवर में जब फैट बढ़ेगा तो फैट जो है आहिस्ता आहिस्ता से उसमें इन्फ्लेमेशन करता है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हीलिंग होती है, फिर फाइब्रोसिस होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपका जो एक सॉफ्ट लीवर होता है वो एक हार्ड लीवर हो जाएगा, और वो फिर वो एंड स्टेज लीवर डिसीज सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए, और ये फैटी लीवर का इंसिडेंस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री हो गई है, कि हम ज़्यादा वॉकिंग नहीं करते हैं, एक जगह ऑफिस में बैठे रहते हैं, और जो है ज़्यादा हमारा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादातर हम जंक फूड खाते हैं, इसी के साथ डायबिटीज़ का भी इंसिडेंस बढ़ रहा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें मिलकर फैटी लीवर को करती हैं। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जी, ये तो अभी बहुत कॉमन हो गया, आम बात हो गई है, हर एक दूसरे आदमी को पूछ लेने से उसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन तो बहुत बढ़ गया है इसी मतलब लॉकडाउन और कोविड की वजह से भी। तो सर ये सब कितना इफेक्ट करता है लीवर के ऊपर, डायबिटीज कैसे और कोलेस्ट्रॉल कैसे इफेक्ट करता जी? है जी, देखिए इन सबको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल रहेगा आपका, हाई ट्राइग्लिसराइड्स रहेंगे, हाई फैट रहेगा, वो जो है लीवर में जाके डिपॉजिट होता रहता है। नॉर्मली जो है हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता है जी, और ये जाके लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो है कम रहे और टोटल कैलोरी इंटेक भी कम रहे। तो ये जो आजकल हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं इसमें जो है एक तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और फैट कंटेंट भी ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से फैटी लीवर का इंसिडेंस बढ़ रहा है।
जंक फूड मतलब फास्ट फूड भी बोल सकते हैं? फास्ट फूड, जी हाँ, फास्ट फूड जैसे पिज्जा बर्गर ये सब चीजें, इसकी वजह से जो है फैटी लिवर का इश्यू। ये तो एक बात होगी, जंक फूड ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज का भी प्रॉब्लम आ सकता है। अरे एक और भी एक सवाल रहेगा आपसे कि दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं वेजिटेरियन है, फुल्ली वेजिटेरियन, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, वो वेजिटेरियन भेज भी वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मतलब वो दूसरे तरह चिकन मटन ये सब भी खाते हैं। तो किसमें किन लोगों में ज़्यादा दिखाई जाता है कि वो उनका लीवर खराब होता है? नॉन वेजिटेरियन खाने से लीवर वैसे ख़राब नहीं होता है, चूँकि नॉन वेजिटेरियन डाइट में ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर आप वाइट मीट लेंगे जैसा कि चिकन और फिश है तो ये नुकसान नहीं करता लीवर को। कभी कभी जो है अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट ले रहे हैं तो उससे लीवर पे थोड़ा असर पड़ सकता है। तो आप अगर एग, चिकन और फिश ले रहे हैं तो इससे लीवर ख़राब नहीं होगा, और अगर आप रेड मीट ले रहे हैं, मटन वगैरह ले रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा लिमिटेड क्वान्टिटी में लेना है, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर नहीं लेना है। और सर आप लीवर ट्रांसप्लांट के ऊपर तो हम आएंगे, उससे पहले मैं एक और भी एक सवाल है सर, लीवर तो खराब हो जा रहा है, आपने बोला कि लीवर एक हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो सर अगर लीवर एक आदमी का लीवर खराब हो गया उसके बाद का मतलब क्या होता है, उसको मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है या उसके साथ ही हमारे स्टोमक, इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया, इसके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या लीवर खराब होने से? जी देखिए, ऐसा है, लीवर में एक यूनिक कैपेसिटी होती है जो बाकी ऑर्गन्स में नहीं होती है, उसको कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी। अगर आप किसी वजह से लीवर का एक 70% तक का हिस्सा अगर आप निकाल भी दें तो जो बचा 30% हिस्सा होगा वो अपने आप को ग्रो करके फुल्ली नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे ही जैसे जैसे लीवर पर इंसल्ट पड़ती है, जैसे हेपेटाइटिस की वजह से हो या अल्कोहल की वजह से हो या फैटी लीवर की वजह से हो, तो लीवर अपने आप को हील करता जाता है, लेकिन ये एक लिमिट तक होता है। तो 60-70% लीवर ख़राब होने तक आपको यूजुअली कई बार आपको सिम्टम भी नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपका लीवर ख़राब हो और आपने जांच नहीं कराई तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका लीवर ख़राब है। जब 70% से ज़्यादा लीवर ख़राब होने लगता है तब आहिस्ता आहिस्ता आपको सिम्टम आने लगते हैं, जिसमें थकान हो सकती है, आँखें पीली हो सकती हैं आपकी, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में पानी जमा हो सकता है, दूसरे ऑर्गन जैसे किडनी अफेक्ट हो सकते हैं, लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन बार बार हो सकता है आपको, बेहोशी या उनोदगी हो सकती है बार बार। तो ये सारे जो है एक लीवर ख़राब होने के सिम्टम्स हैं, और जब ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि ये लीवर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, यानी 80% से ज़्यादा ख़राब हो गया है कि अब इसका इलाज मेडिसिन से नहीं हो सकता, या अगर मेडिसिन से हो भी सकता है तो थोड़े टाइम तक ही मेडिसिन काम करेंगे, उसके बाद और लीवर फेल हो जाएगा। तो जब लीवर इतना ख़राब हो जाता है कि जॉन्डिस हो जाता है और ये सारी जो मैंने सिम्टम बताई होती हैं, तो फिर उस वक्त फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस करते हैं। जी, जैसे कि हम पढ़ रहे थे आपके ऊपर जो आर्टिकल्स छपी हैं अलग अलग तरह के मीडिया में, कि आपने 2000 से ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट अब तक किया है और उसमें भी 250 से ज़्यादा बच्चों का लीवर भी ट्रांसप्लांट किया है और आपका 22 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो सर ये लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो आपने बोल दिया कि कैसे कब हमें लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो केयर हॉस्पिटल तो इसका सर्विस दे रही है कि लीवर ट्रांसप्लांट आप यहाँ पे आ कैसे कर सकते हैं, या देश के जिन जिन हिस्सों में केयर हॉस्पिटल का ब्रांच है वहाँ भी कर सकते हैं, तो इसमें सर ये लोगों में एक रहता है कि लीवर ट्रांसप्लांट में बहुत खर्चा ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव होता है। जी, तो देखिए लीवर जो है अभी तो मैंने जैसे एडल्ट्स में बताया, लेकिन बच्चों में भी ख़राब हो सकता है, और ये छोटे बच्चों में मतलब जो पैदा होके 2 महीने 3 महीने ऐसे बच्चों में भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। उनमें कैसे ख़राब हो जाता है बच्चों में? ये एक पैदाइशी होता है, इसमें जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो बिलेरी एट्रिशा होती है, जिसमें जो बाइल डक्ट होते हैं, जो पित्त की नली होती है, वो पैदाइशी नहीं बनती है, तो इसकी वजह से लीवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। तो इसमें ये कॉमनेस्ट रीज़न है, लेकिन इसके अलावा कई सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी लीवर ख़राब हो सकता है। ये एक बात हो गई। केयर अस्पताल में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, केयर अस्पताल अक्रॉस इंडिया 9 स्टेट्स में मौजूद है, और इसमें अभी हम फिलवक्त हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में और रायपुर में रेगुलरली लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमारा ये एम है कि हम यहाँ भुवनेश्वर में भी हम ये सर्विसेज दें। अभी हम यहाँ रेगुलर ओपीडी करेंगे, हर महीना एक ओपीडी, उसके बाद ऐसे ऐसे महीने में 2 ओपीडी करेंगे।
हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ पे भी लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम शुरू करें और ये सुविधा हम यहाँ पे यहाँ के मरीजों को भी दें। कई बार ये होता है कि मरीजों को 2 महीने के लिए अपना घर बार छोड़ के मेट्रो सिटीज़ में बड़े शहर में आके रहना, वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए अगर हम ये सर्विसेज यहीं अपने ही स्टेट में, यहाँ भुवनेश्वर में, अगर यहाँ पे हम उड़ीसा में अगर हम प्रोवाइड कर सकें तो ये एक पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी एक हेल्प हो सकती है। तो जैसा कि हम रायपुर में वहाँ रेगुलरली कर रहे हैं, तो वहाँ के मरीजों के लिए अब उनको बड़े शहर हैदराबाद हो गया या दिल्ली हो गया, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम खुद वहाँ आके ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर पोस्ट ऑप में हम उनको मरीजों को देखते हैं और जब बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है तो फिर हमारी टीम जो है वहाँ से आ जाती है। सर, ये तो ट्रांसप्लांट की बात होगी, फिर से हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे कि आपसे कि ज़्यादातर लोग अभी पसंद करते हैं ऑयली फूड, मतलब वो सरसों का तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो, या सनफ्लावर का हो, या अलग कोई राइस ब्रान ऑयल भी अभी चल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ऑयल सर कितना हमारे लीवर के ऊपर प्रभाव डालता है? मैं कहूँगा कि ऑयल से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है लीवर के लिए ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होते हैं फैट्स में, और अगर आप फैट्स ले रहे हैं तो फैट्स वो कीटो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन एक क्वांटिटी से ज़्यादा अगर आप फैट लेंगे तो फिर वो जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपिड ये सारे जाके फिर लीवर में डिपॉजिट होते हैं। तो एक लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं और जो जंक फूड खा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है ये लीवर पर असर पड़ सकता है। मतलब कौन से एज, मतलब आप बच्चों में भी तो लीवर का प्रॉब्लम आपने बताया कि देखा जाता है, अभी भी उनका भी ट्रांसप्लांट आपने किया है, लेकिन सर कौन सटन एज एक होगा कि इस, जैसे कि देखा जाता है कि 40 का एज पार करने पर डायबिटीज़ का लोगों में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का आता है ज़्यादातर, ऐसे ही सर लीवर फेलियर का प्रॉब्लम किस एज में ज़्यादातर देखा जाता है? हर एज के हिसाब से अलग अलग बीमारी होती है। जैसे पैदाइश का टाइम ज़्यादा मेटाबॉलिक बीमारी होगी या जेनेटिक होगी या बिलियरी एटिशिया होगी, ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। वैसे ही 1 साल से 10 साल की उम्र में अलग अलग विल्सन्स डिसीज़ होती है, ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं, कई सारे बच्चों में मेटाबॉलिक डिसीजेस होते हैं, ये हो सकते हैं। यूजुअली फैटी लीवर से जो लीवर ख़राब होते हैं वो आप देखेंगे कि 40 साल के बाद जो है ये या 50 साल के बाद जो है ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, चूँकि लीवर को फैटी लीवर की वजह से लीवर ख़राब होने में भी टाइम लगता है, समझ लीजिए कि 15-20 साल लग जाते हैं लीवर को ख़राब होने में। तो ये एक मिडिल एज से लेके एल्डरली एज में ये ज़्यादा नज़र आता है। और इसके अलावा भी जो है लीवर में कैंसर भी बन सकता है, कैंसर भी हो सकता है। जी हाँ, लीवर कैंसर भी होता है, और लीवर कैंसर का भी इलाज 2 तरीके से होता है। अगर उसका एक तरीका ये होता है कि उसको ऑपरेशन करके वो जो कैंसर वाला हिस्सा है लीवर का उसको निकाला जाता है, लेकिन अगर लीवर में साथ में सिरोसिस भी है और लीवर ख़राब है तो फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें। ये तो सर एक बात होगी, मतलब लीवर का फंक्शन आपने बता दिया, उसको कैसे ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। सर ये जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस होता है, इसमें मतलब कि कौन से एज का इंसान, बच्चों में जो लीवर लगता है उसके लिए कैसा उसका मतलब प्रोसेस होता है, और एक मतलब एल्डर आदमी के लिए उसके लिए कैसा प्रोसेस होता है? जी, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फिर हम उनको काउंसिल करते हैं कि इनको ट्रांसप्लांट करने का 2 तरीका होता है। एक होता है कैडेवर से, यानी जो ब्रेन डेड हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से या खून की नस फटने की वजह से, और जिनकी उम्मीद नहीं होती है कि वो एक दो दिन से ज़्यादा जी सकें, तो उनके फैमिली को हम काउंसिल करते हैं, और वो कभी कभी अपनी रिश्तेदार की जो बॉडी है के ऑर्गन्स होते हैं वो डोनेट कर देते हैं। तो एक कैडेवर से कम 8 जानें बचाई जा सकती हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनीज, इंटस्टाइंस, कॉर्नियाज, ये सब चीज़ें जो है डोनेट हो सकती हैं और इससे जान बचाई जा सकती है। लेकिन ये कैडेवर प्रोग्राम अभी सारे स्टेट्स में नहीं है, जैसा अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है, भुवनेश्वर में नहीं है, तो एक कोशिश है कि हर स्टेट में ये प्रोग्राम जो है इसको आ जाए। तो अगर ये प्रोग्राम वहाँ नहीं है, या इनकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत होती है जहाँ पे अगर सिक पेशेंट उतना वेट नहीं कर सकता ऑर्गन के लिए, तो फिर उनका अपना कोई रिश्तेदार जो है वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। अभी जैसे मैंने बताया कि एक लीवर एक बहुत यूनिक ऑर्गन है, कि अगर आप उसका एक आधा से ज़्यादा भी हिस्सा अगर निकाल लें
तो वो बहुत कम टाइम में, समझ लीजिए कि 2 से 4 हफ्तों में वो पूरा ग्रो कर जाता है। 2 से 4 हफ्तों? जी हाँ, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। 2 हफ्ते के अंदर ही समझ लीजिए कि 70% से ज़्यादा लीवर ग्रो कर जाता है, और बाकी 4 हफ्ते में बाकी पूरा लीवर ग्रो कर जाता है। तो डोनर जो है रिश्तेदार होना है, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लॉ, एक रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। डोनर की एज 18 से ऊपर होनी चाहिए और 50 से नीचे, शुगर बीपी वगैरह नहीं होना चाहिए, और ब्लड ग्रुप मैचिंग है। अनलाइक अदर ट्रांसप्लांट्स, लीवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैचिंग, जैसा कि ब्लड डोनेशन होता है, ओ ग्रुप से, ओ ग्रुप एक यूनिवर्सल डोनर है जिससे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है, तो वैसे ही सेम लीवर में भी सिर्फ ब्लड ग्रुप अगर मैच कर रहा है तो हम सीटी स्कैन वगैरह करके, साइज़ वगैरह देख के हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हाँ, ये हो गया एक हो गया कैडावर डोनेशन हो गया, और एक हो गया लाइव डोनेशन। तो लाइव डोनेशन में अपना एक रिश्तेदार एक लीवर का एक हिस्सा दे सकता है और अपने अपने लव्ड वन की जो है एक जान बचा सकता है। इससे डोनर पे भी कोई असर नहीं आता, डोनर भी 5-6 दिन में ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद वो 3-4 हफ्ते में अपने कामकाज पे, जॉब पे वगैरह ज्वाइन कर सकता है। तो कई सारी ऐसी नौजवान लड़के लड़कियाँ होती हैं जो अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को डोनेट करते हैं, फिर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं और बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं। तो अपनी भी सेहत ठीक है और अपने रिश्तेदार की भी उन्होंने जान बचा ली। जैसे अभी ब्लड डोनेशन के कैंप होते हैं, वैसे ही ऑर्गन डोनेशन के भी, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उनके पास रजिस्टर करना पड़ता है। अगर मैं भी चाहूँ तो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ मरने के बाद, तो इसके लिए आप, ये तो एक पॉजिटिव वाइब है, इसको आप अपील करना चाहेंगे लोगों के, आप भी सामने आइए जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं। इस बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस फोरम का मैं जो है एक बहुत ही इसको इसका एक इम्पैक्ट होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि एक कैडेवर 8 लोगों की जान बचा सकता है, तो मैं एक अपील करूंगा कि हर कोई जो है ऑर्गन डोनर का प्लेज करें और ऑर्गन डोनर का जो है एक कार्ड बना के रखें, ताकि अगर किसी वजह से आपकी डेथ होती है और आप जो है आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है, तो आपका वो आपके प्लेज की वजह से आप वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और 8 लोगों की जान बचा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक काम है, चूँकि हम अपने ऑर्गन्स को लेके साथ हेवन में जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन अगर हम 8 लोगों की जान बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक नेकी होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना मूल्यवान समय हमको दिया और बहुत सारे बातें भी आपने बताया कि लोगों में जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि लीवर खराब कैसे होता है, उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रांसप्लांट होने पर कैसे किया जाता है, कौन कौन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आपसे की। और आपको भी हमारा मतलब गुड विशेष रहा करके, आप भी और ज़्यादा लोगों की जानें बचाएं और भी ज़्यादा लीवर ट्रांसप्लांट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तेज आम आलोचना करते वरिष्ठ चिकित्सक सहित एवं लीवर ट्रांसप्लांटर जड़े पुरुखा डाक्टर, एवं से मध्य अनेक 2000 रु अधिक लिभर ट्रांसप्लांट कर सारे बर्तमान सुधा, आगक आहरी करूँ। तेज आपण मैंने सुरक्षित रुहतु एवं किभली भाव आपण लिभर सबुदिन सठिक ढंग से परिचालित हम, आपण शरीर सुस्थ रहा आशा करूँ। आम स्वतंत्र कार्यक्रम समय सारी, नमस्कार।